डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर के 2 दिसंबर के चीजों को जाने, आज की वस्तु स्थितियों को जाने, क्या क्या न्यूज निकला हुआ है। पहला हम आते हैं, देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सारे बैंक को बोला गया है कि आप अपने केवाईसी से, नो योर कस्टमर से, आप आधार नंबर को नहीं जाने दें, क्योंकि इससे जो भी कल्याणकारी लाभों की जो है बेनिफिट जो है गरीबों को नहीं मिलेगा। अब इसके साथ साथ ये मैसेज के साथ साथ कुछ चीज हम जान लेते हैं कि आधार नंबर जो है वो 12 संख्याओं का होता है और ये बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को UIDAI बोला जाता है और ये जो है ये 2009 को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना हुई थी और इसे जो है केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रालय से इसका क्या कहते हैं सारे काम काज को देखा जाता है। तो चलिए हम इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं उसको जरा देख लें। पहला सवाल है कि आधार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है? तो अभी हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? जरा सोचिए, 2014 नहीं, 1990 नहीं, 2016 नहीं, 2009 को हुआ था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्री के अधीन है? अब वो मंत्री जी कौन है? तो आपके अरुण जेटली भी नहीं है, गौड़ा जी भी नहीं है, नितिन गडकरी भी नहीं है, रविशंकर प्रसाद जी हैं। भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बैंकों का आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को बंद नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमने जानते हैं कि ये नहीं हो सकता कि भारतीय नागरिकता के पहचान में असुविधा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। केवाईसी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, ये भी नहीं है। इनसे कल्याणकारी लाभों को डिलीवरी बाधित हो सकती है, यही बोला गया है। तो चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। आज जो है मतलब 1/12/2018 ये एड्स का दिवस है, या HIV से संगठित होकर लड़ने, HIV पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति और HIV एड्स जैसे बीमारी से मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है। अब जरा इसमें एक चीज आप देख लीजिए, नया खबर जो है HIV सेल्फ टेस्ट का अब सिस्टम आ चुका है कि कोई भी बंदा इस किट को लेके वो HIV से ग्रसित है या नहीं है वो इसे जान सकता है। अब जरा HIV से जो जुड़े हुए चीजों को देखें, HIV एड्स जो है एक वायरस से होता है, इसको हम इस वायरस को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस की खोज जो है 1981 में हुआ था और 1981 से 2006 तक जो है 25 मिलियन लोगों से ये जान ले चुका है, मतलब 2.5 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं पूरे विश्व में। और एक खबर है कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका 0.6% जो है HIV से संक्रमित हैं। और एक और भी है कि प्रतिरोध प्रणाली के आवश्यक कोशिकाएं, जैसे ये एड्स का जब वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो टी सेल्स पर ज्यादा आक्रमण करता है और ये टी सेल्स जो है हमारे बॉडी के प्रतिरोध सिस्टम को बनाए रखता है। तो फिर हमारे एंटीबॉडीज जो बनते हैं, जिसके लिए हमारी प्रतिरोध प्रणाली है, उस पे जो टी सेल्स बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो है वायरस जो है क्या है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इन टी सेल्स को मार देता है, आक्रमण करके मार देता है। चलिए इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है
दिसंबर का पहला दिन जो है वही होता है एड्स डे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से कौन सा रोग होता है? धनुष टंकार नहीं हो सकता है, हाइड्रोफोबिया भी नहीं हो सकता है, एड्स होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस प्रतिरोध प्रणाली के आवश्यक कोशिकाएं पर आक्रमण करती है। कौन सी कोशिका? ए कोशिका नहीं, डी कोशिका नहीं, सहायक टी कोशिकाओं पर। विश्व के लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या एचआईवी से संक्रमित है? तो अभी हमने पढ़ा है 0.6%। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं आज का। तमिलनाडु सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 2 लाख जो अभी दिया जाता था उसे बढ़ा के 5 लाख किया है। ये जो तमिलनाडु सरकार जो है ये स्वास्थ्य बीमा योजना के सहयोग से मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत योजना और उसके साथ साथ चेन्नई सरकार द्वारा जो बीमा योजना है उन दोनों को मिला के जो है उन्होंने किया हुआ है। अब जरा हम जान ले थोड़ा आयुष्मान भारत योजना। देखिए आयुष्मान भारत योजना इसी साल लागू हुआ है 2018, तो इसके लिए आयुष्मान भारत योजना आने की संभावना है। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा किया था। और आयुष्मान भारत योजना क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और उसमें ये कमजोर लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन धारक को दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है 10 करोड़ बीपीएल धारकों को इस योजना के अंतर्गत लाना। तो चलिए इसे जो जो सवाल बनते हैं उसे जरा देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रस्तावित योजना है जिसे कब भारत में लागू किया था? 2014 नहीं, 2016 नहीं, 2015 नहीं, 2018 को लागू किया था। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले मौजूदा 2 लाख रुपया से बढ़ा के स्वास्थ्य बीमा कवरेज कितना किया है? 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से बीपीएल धारकों को, कितने बीपीएल धारकों को देना है? तो 10 करोड़ बीपीएल धारकों को देना इनका लक्ष्य रखा गया है। अब है कि ये आयुष्मान भारत योजना किस योजना के तहत है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना, राष्ट्रीय जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री समाज कल्याण योजना। जी ने ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है आयुष्मान भारत योजना है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं आज का। देखिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और देखें कि ये सबके जो है ना हॉर्नबिल्स के ये लगे हुए हैं सब में। देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये नागालैंड में हुआ है और जिसके लिए ये राजनाथ सिंह जो है आज जो है ये 12 किलोमीटर दूर पे जो किसामा गांव है नागालैंड के कोहिमा से जो है 12 किलोमीटर दूर किसामा गांव है वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल को उद्घाटन करने के लिए जाएंगे और ये 19th एडिशन का है। और नागालैंड के गवर्नर है पीबी आचार्य, ठीक है। और जो अमेरिकी राजदूत हैं हमारे भारत में केनेथ आई जस्टर, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। चलिए अब आगे की कुछ खबरों को देखते हैं। अभी जो है विदेश सचिव विजय गोखले ने आज कहा कि जापान, अमेरिका और भारत इस बात से सहमत है कि भारत प्रशांत सागर क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए निशुल्क, खुले, समावेशी और नियम आधारित आदेश आवश्यक है। को वैसे नियम बनाए जाएं कि जिसमें ये इसके मैक्सिमम फ्री ट्रेड जोन के अंदर में आए। तो इंडो पैसिफिक रीजन हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विजय गोखले, एक चीज में और भी आ रहा है उसमें है कि सिंजो आबे कौन है? ये अभी 63rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के हैं और ये लीडर हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता है, तो ये भी एक न्यूज हमें रखना होगा क्योंकि जापान के साथ हमारी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है, तो इसके लिए ये भी कभी सवाल के रूप में आ सकता है। तो चलिए हम इस आगे के न्यूज को देखते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स जो है ये बहुपक्षवाद को मजबूत करने, निष्पक्ष, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय आदेश को बढ़ावा देने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। और ये ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में एक न्यूज आया हुआ है, उसके पहले जरा बोल दें ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जब ज्वाइन किया था, उसके पहले इसका ब्रिक नाम था और इसमें रूस को छोड़कर सभी जो है विकासशील देश में है, क्योंकि चाइना को भी विकासशील देशों में नौ औद्योगिकृत तो हमारे देश को बनाए तो उनको विकासशील माना जाता है। 2019 में ब्रिक्स, मतलब अगले साल ही ब्रिक्स की जो 11वीं सम्मेलन है वो ब्राजील में होगा। तो ये ब्रिक्स के ऊपर जो है ये इंफॉर्मेशन को हमें साथ में रखना काफी जरूरी है आज के जो ये है। तो इसमें क्या क्या अभी जो हमने पढ़ा उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल के उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य का दौरा किया? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तो हम जानते हैं नागालैंड का उन्होंने दौरा किया। हाल ही में G20 समारोह में भाग लेने में पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो है ना, यही है शाइनो आवे जो है, शिंजो आवे जो है, उन्हीं उनका नाम है। ब्रिक्स इसके घटक राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए, भारत तो है, इंडोनेशिया नहीं है, रशिया भी है, चाइना भी है, तो इंडोनेशिया नहीं है। तो ये एक्चुअली आई जो है ये इंडिया को शो करता है, इंडोनेशिया को नहीं। बी जो है भारत नहीं है, ब्राजील है। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? इंडो पैसिफिक एसोसिएशन नहीं, G4 नहीं, COP4 नहीं, ब्रिक के नाम से ब्रिक्स आपका अभी जो है उसे जाना वो जाना जाता था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। मजबूत औद्योगिक उत्पादन के बावजूद विनिर्माण वृद्धि 7.4% पर, जीडीपी विकास दर जुलाई सितंबर के अवधि में नियंत्रित हुई है, 8.2 तिमाहियों का पहला तिमाही आंकड़ा 9 तिमाहियों में सबसे अच्छा था। मतलब 2018 की बात हो रही है, 2018 की जनवरी से मार्च तक जो था वहां जीडीपी का रेट 8.2 था, लेकिन अभी जुलाई सितंबर का जो है उसका कैलकुलेशन करके 7.4 निकला है, जबकि इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी बढ़ा है तो भी ये हाल है। तो नेचुरली ये सारा कुछ है एग्रीकल्चर के दबने के चलते हुआ है, तो ये तो एक मैसेज तो जरूर है और जो बैंक की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो काफी जरूरी चीज है। अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। राज्य मंत्री आवास और शहरी मामलों के जो है हरदीप सिंह पुरी जो हैं, वो 1 दिसंबर 2018 को, मतलब कल ही, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों में शहरी मिशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अभी भाई इलेक्शन आ चुका है, तो ये जो है 2014 से जो आवास की अलग जो योजनाएं बनी थी उसमें अभी तक कितना सफलता मिला है इस पर एक लेखा जोखा होगा, जिसके लिए श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं, जो सचिव हैं शहरी मिशन के मंत्रालय के और राष्ट्रीय मिशन के निर्देशक भी हैं, वो भी 2-3 दिन पहले वो वहां पहुंच चुके हैं। अब चलिए एक और न्यूज पे हम नजर डालते हैं। देखिए, इस बार COP24, सरकार का कहना है कि पार्टियों का सम्मेलन भारत के लिए COP24 महत्वपूर्ण है और देश के जलवायु परिवर्तन से रचनात्मक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले तो कोप का हमें माने जानना होगा, ये COP24 क्या है, तो जरा चलिए हम समझते हैं इसे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
को 1992 में रियो डी जेनेरो, जहां पे ब्राजील की जो जगह है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसे 21 मार्च 1994 में लागू हुआ और इसे कोप जो है इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और जिसमें 196 देशों ने शामिल हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार का कोप 24 का नाम काटोवाइस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रखा गया है, KCCC, जो इसे जरूर जानेंगे क्योंकि नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। और ये आज से ही शुरू हुआ है और 14 तारीख तक चलने वाला है, और ये कहां हो रहा है, पोलैंड में शुरू हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस समझौते को छोड़ने के बाद, ये हाल ही में हुआ, चीन ने हफ्तों से कई प्रारंभिक बैठकों की मेजबानी करके चीन ने काफी अग्रणी भूमिका निभाया है। और सबसे बड़ी बात है, विश्व मौसम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी करके ये दावा किया है कि 2017 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है, जरूर ध्यान दें इस पे सवाल बनता है, 405 ppm तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। देखिए ये ग्राफ कैसे पहुंचा हुआ है, जो बोला गया है 3 से 5 मिलियन वर्ष में इस पृथ्वी पे कभी नहीं हुआ। तो अब अगर हम प्रलय की बात करते हैं तो एक बात को समझ लीजिए, प्रलय की दस्तक जो है हमारे दरवाजे पर दे रहा है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार अभी जो है, आज ही अजय भूषण पांडे जो हैं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं फिनांस मिनिस्टर के अंदर में, राजस्व सचिव। उनके पास उदय और जीएसटी के, ये दोनों के चेयरमैन हैं, इनके पास 3 काम दिए गए हैं। तो आपका आधार का काम, जीएसटीएन का काम, इन दोनों में ये चेयरमैन हैं। साथ ही साथ ये आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं फिनांस मिनिस्ट्री में, नाम हुआ अजय भूषण पांडे। तो चलिए इस न्यूज के बाद अगले न्यूज पे नजर डालते हैं। वो पहले कुछ सवाल को कर लेते हैं। जीडीपी विकास दर जुलाई सितंबर 2018 में कितना मिला है? तो 2000 इसमें जुलाई सितंबर 2018 में घट गया है और ये 7.4 है, जबकि जनवरी टू मार्च 8.2 था। COP24 का दूसरा क्या नाम है? यही है काटोवाइस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, नहीं सॉरी, ये है काटोवाइस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो ये एक सवाल बनता है, क्या है कि COP24 का चूंकि नाम पोलैंड के काटोवे शहर के ऊपर रखा गया है, और तो इस पे एक सवाल तो जरूर बनता है। और एक दूसरा है कि विश्व मौसम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया है कि 2017 में, मतलब पिछले साल, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो था वो कितना था, 405 ppm, जो मतलब क्या है कि बोला 2 to 3 million, मतलब 20 लाख से 30 लाख साल पहले तक अभी तक इतना बड़ा स्तर नहीं हुआ था। फिर है कि हाल ही में उदय के सीओ श्री अजय भूषण पांडे को वित्त मंत्रालय में किस रूप में उन्होंने पदभार संभाला है, बेसिकली आज से संभाला है, राज्य मंत्री के तरह, कार्यकारी मंत्री के तरह, राजस्व सचिव के द्वारा तरह, या मुख्य सचिव की तरह, तो वो राजस्व सचिव जो है उसके तरह उन्होंने कार्यभार को अपना संभाला है। चलिए अब आगे के न्यूज को देखते हैं। एक दुख भरी घटना है कि जो अमेरिका के जो 41वें प्रेसिडेंट थे उनका निधन हो गया है, और बुश को तो कौन नहीं जानता है। उनका पूरा नाम था जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। ये देखिए, इस पे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि इनकी निधन हुआ है। ये अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी में थे और वो 41वें प्रेसिडेंट थे, और उनका कार्यकाल रहा 1989 से 1989 से 1993 तक। उनका जो निधन हुआ है वो 94 साल के थे, और वो अमेरिका के सबसे वयोवृद्ध प्रेसिडेंट, मतलब है कि लॉन्गेस्ट लिव्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट,
सबसे माने ज्यादा दिन उम्र तक जीवित रहने वाले क्या कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो चलिए अगले पे चलते हैं न्यूज पे। अब देखिए प्रलय की जब बात कर रहा हूं तो देखिए हर जगह एक ही चीज हो रहा है, हिमालय में आने वाले उच्च तीव्रता भूकंप होने की प्रबल संभावना बन रही है और एक नए अध्ययन के इस सिद्धांत को और अधिक विश्वास दिलाया है कि इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं वो भूकंप का निर्माण कर रही है जो बड़े विध्वंसी भूकंप को कभी भी ट्रिगर कर सकती है और इस भूकंप का आयाम जो होगा 8.5 या उससे अधिक होगा, तो प्रलय का तो शायद यही दूसरा नाम है। तो और ये केवल एक जन ने नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात की सत्यता को पुष्टि किया हुआ है। तो चलिए आगे के न्यूज को देखते हैं। आगे का न्यूज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक अभी जो G20 की जो सम्मेलन चल रहा है उसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि वो सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी का है कि मौत की जांच में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों पर जोर देंगे जो कथित रूप से सऊदी ताज राजकुमार के आदेश पर हुआ था। तो मामला क्या है, इस पे सवाल बन सकता है। तो जमाल खाशोगी जो हैं वो सऊदी अरब के पत्रकार, लेखक और अल अरब न्यूज चैनल के पूर्व महाप्रबंधक एवं प्रधान संपादक थे, जिनका इसी साल 2 अक्टूबर को इस्तानबुल में सऊदी अरब वाणिज्य दूतावास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, ये कौन है? सऊदी अरब के युवराज, अभी तो राजा बने हुए हैं, तथा सऊदी अरब प्रशस्ति पत्र के प्रधान उप प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री हैं। तो देखिए ये जो जमाल खाशोगी हैं इन पे सवाल आ चुके हैं और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय घटना में बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो आगे भी इसके आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी जरा हम सुन लें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब जानते हैं कि ये दो भाई जान के दुश्मन, बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने नॉर्थ अमेरिका पे और इसने अमेरिका ने बचाने के लिए साउथ अमेरिका कोरिया पे कब्जा कर लिया हुआ था। उसके बाद से ही दोनों देशों में एक तो फिर एक देश हुआ डिक्टेटर के अंदर में चला गया, अंडर में चला गया, दैट इज द नॉर्थ कोरिया पार्ट, और ये साउथ कोरिया पार्ट, नॉर्थ कोरिया जो इसके अंडर में रहा। दोनों देश उत्तर कोरिया की जर्जर रेल प्रणाली का नवीनीकरण करने पर संयुक्त अध्ययन कर रहे हैं। आज से ही 18 दिन का ये निरीक्षण शुरू होगा। अगले 18 दिनों में दोनों कोरियाई के दर्जनों अधिकारी और इंजीनियर मिलके 1600 मील की दूरी यात्रा करेंगे क्योंकि वे उत्तर कोरिया के रेल नेटवर्क का अध्ययन करेंगे और विचार करेंगे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक में कैसे लाया जा सकता है। तो दो बिगड़े हुए भाई अब आपस में कुछ करने लगे हैं। तो 1945 जो था, देखिए एक मजे की बात है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनका डिवीजन हुआ था और दोनों देश को अगर देखा जाए तो 1948 में जो है हमारे स्वाधीनता के एक साल के बाद ये दोनों अलग अलग के छत्र छाया में इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में पनपे। और इस पे कुछ सवाल भी बनते हैं। तो पहले एक चीज और जान लें जो बहुत ही अहम है, विश्व एड्स दिवस को चिन्हित करने के लिए यूनिसेफ ने दुनिया भर में जन्म से 19 आयु वर्ग के लोगों पर वायरस के प्रभाव पर एक अध्ययन किया है और आप जान के आश्चर्य होंगे भारत जो है दक्षिण एशिया के सारे राष्ट्रों में से सबसे ऊपर है और जिसमें 1,20,000 बच्चे और किशोरावस्था में जो है जो 19 साल के अंदर में है वो 2017 में HIV से मतलब एड्स से ग्रसित हैं। तो हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है
हमें सबसे पहले नजर देना होगा, और साथ ही साथ ये हमारे सवाल में, किसी भी एक परीक्षा के सवाल में ये जरूर मिलेगा। तो चलिए इन पे जो भी सवाल बनते हैं उसे जरा एक नजर देख लेते हैं। हाल ही में एक बयान में बुश परिवार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कितनवें राष्ट्रपति की निधन की घोषणा की? यह आज ही हुआ है, 40वें राष्ट्रपति, 42वें, 39वें, 41वें, 41 जो है वो है। हाल ही में सऊदी अरब के पत्रकार, लेखक एवं अल अरब न्यूज चैनल के पूर्व महाप्रबंधक एवं प्रधान संपादक, जिनकी इस्तांबुल में के सऊदी अरब वाणिज्य दूतावास पर हत्या कर दी गई, उनका नाम क्या था? तो आप जरूर जानते हैं, ये है जमाल खाशोगी। हाल ही में दोनों कोरियाई देशों द्वारा किस कोरिया की जर्जर रेल प्रणाली का नवीनीकरण करने का संयुक्त अध्ययन कर रहे हैं, जो आज ही कर रहे हैं? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों कोरिया या मध्य कोरिया? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की रेलवे सिस्टम जो है वो काफी गई गुजरी है। हाल ही में यूनिसेफ ने दुनिया भर के जन्म से 19 आयु के वर्गों के लोगों के पर वायरस के प्रभाव का एक अध्ययन जारी किया, और भारत जो है दक्षिण एशिया के राष्ट्रों की सूची में सबसे ऊपर है। और ये पाया गया है कि 2017 में, इस साल का नहीं है, 2017 में बच्चे और किशोर कितने लोग इससे प्रकोप पे हैं, चपेट में हैं? 1,20,000। तो आज का देखिए न्यूज जो है हम यही, अच्छा सॉरी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ के 4 उपाध्यक्ष में से एक चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। अब रणिंदर सिंह के बारे में कुछ जाने, वो ट्रैप शूटर हैं, और दिसंबर 2009 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तब से अब तक कार्यरत हैं। पिछले साल मोहाली में जबरदस्त जनादेश के साथ 4 साल के लिए कार्यकाल रणिंदर सिंह राष्ट्रीय फाइनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए थे। अब चलिए देखें जरा इन पे क्या क्या सवाल बन रहे हैं। पहला है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ ISSF? तो इसमें कौन है, अभी भी हमने सुना है, दिस इज द रणिंदर सिंह। दूसरा है, ISSF का फुल फॉर्म क्या है? तो ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। फिर सवाल आया है कि उस भारतीय व्यक्ति के पिता कौन हैं जो ISSF के 4 VP में से एक के रूप में चुने गए हैं? वो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह। तो आज का जो है इतना ही न्यूज है, कल के लिए हम फिर से वेट करेंगे। लेकिन सॉरी, एक न्यूज और रह गया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रतिष्ठित भारत पाकिस्तान मैचों का तूफान दिख रहा है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में तेज और उग्र T10 लोगों की मेजबानी कर रहा है। 2018 में T10 लोगों में यह दूसरा सीजन है। इसमें मैच 90 मिनट का होता है और 10 ओवर प्रत्येक साइड का प्रारूप है। टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन के रूप में खेला जा रहा है, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। और ये जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 21 नवंबर से आज तक खेला जाने वाला है। तो इसके ऊपर जो जो सवाल बनते हैं उसे जरा एक बार देख लेते हैं। किस वर्ष पहला T10 लीग खेला गया था? जी हाँ, ये सवाल तो बनता ही है, वो 2017 पिछले साल पहला T10 खेला गया है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच मैच ऑफ T10 लीग? तो हमने अभी पढ़ा है कि 90 मिनट जो है, अच्छा ये उधर है, ये शारजा स्टेडियम में जो है 2018 का T10 लोग आयोजित कहां हुआ था? शारजा स्टेडियम में हुआ था। फिर जो है सवाल है, T10 जो है वो कितने अवधि का होता है? 90 मिनट का होता है। फिर जो है इसके ऊपर दूसरा सवाल बनता है कि 2018 के T10 लोग में कितने टीमों ने भाग लिया है? तो हमने अभी पढ़ा कि 8 टीम भाग लिए हुए हैं। और 2017 में आयोजित पिछले T10 लोगों का चैंपियन कौन था? तो आप भी जानते हो, दिल्ली रॉकेट्स था। तो फिर आज का जो है
सारे मैसेज, सारे इंफॉर्मेशंस को हमने कवर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरियात है। और साथ साथ मैं एक चीज को बोल रहा हूं कि आप लोगों के समर्थन मुझे भावुक बना रहा है, लेकिन साथ साथ पीडीएफ फाइल के लिए दोस्त आप लोग मेरे चैनल में, जो टेलीग्राम चैनल में जुड़े, क्योंकि पीडीएफ फाइल और इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट देने की अगर सुविधा नहीं है तो ये आपको हर दिन का जो इतने सारे न्यूज जो है आप कैसे याद रखेंगे। तो चलिए विदा दीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। जाने के पहले सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं और साथ ही साथ एक बात को अवश्य बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है उनसे गुजारिश है कि उसे जरूर दबाएं। और सबसे महम इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल पे ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे हर दिन का जो है आपको कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। पीडीएफ फाइल है, उसे एक झटके में देख के सारा कुछ याद हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम देते रहेंगे जो फ्री है, मॉक टेस्ट पेपर है, तो फिर आप पूरे तरह से लाभान्वित रहेंगे। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।